हेलो एवरीवन। सो कंपनी है एफडीसी लिमिटेड। कंपनी की मार्केट कैपिटल है 4,866 करोड़ की। कंपनी का आरओसी है 15.3%, आरओई है 11.4%। अगर क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर 2022 का रिजल्ट आया था 41 करोड़ का, सितंबर 2022 का आया था 52 करोड़, जून 2022 का 71 करोड़ और मार्च 2022 का 10 करोड़। तो इसकी जो प्रॉफिट्स हैं बहुत फ्लक्चुएट है, ऊपर नीचे हो रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर 2022 के प्रॉफिट की बात करें तो वो आया था 216 करोड़ का एंड TTM दिखा रहा है 174 करोड़ का। 2021 का आया था 301 करोड़ का। तो प्रॉफिट सच में कंपनी के बहुत ऊपर नीचे हो रखे हैं। बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री है, सिर्फ 32 करोड़ का कंपनी के पास बोरोइंग्स हैं। रिजर्व फंड है कंपनी के पास 1,884 करोड़ का, यानी कि ह्यूज रिजर्व फंड है कंपनी के पास। अगर बात करें कंपनी के कैश फ्लो की तो कंपनी का सात करोड़ का कैश फ्लो रहा है 2022 में। इन्वेस्टर्स में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग है 69.49%, जो काफ़ी अच्छी है। इसमें FIs के होल्डिंग भी है 3.80, जो लास्ट टाइम से इंक्रीज हुई है। लास्ट टाइम दिसंबर 2022 में थी 3.77, अब है 3.80। एंड DIs की भी इंक्रीज हुई है, इनकी पहले थी 7.76, अब है 8.27। एंड पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, वो है 18.44%। अब चलते हैं चार्ट पे। तो ये इसका लगा हुआ है मंथली चार्ट फ्रेम। यहाँ से साफ दिखता है अपने को कंपनी इसमें एक अप ट्रेंड में है। ये देखिए, ये साफ अप ट्रेंड शो कर रहा है। अब हुआ क्या है, पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने थोड़ा सा नीचे आ गई थी, देन वहाँ से कंपनी ने ट्राई किया अपने आप को फिर से बैकअप करने ऊपर करने के लिए। मैं दिखाता हूँ वीकली पे, वीकली पर और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ से देखो ये कंपनी का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से कंपनी, यहाँ से लगाता हूँ ट्रेंड लाइन, यहाँ से देखते हैं तो ये कुछ ऐसे थी। अब अगर हम यहाँ देखें इस पोजीशन में तो यहाँ पे कंपनी थोड़ी नीचे आई है, ठीक है। फिर कंपनी ने ऊपर निकल गई, फिर इस पोजीशन पे, देन यहाँ पे आके देन फिर से नीचे आ चुकी है। अब कंपनी इस पोजीशन पे, अब यहाँ पे कंपनी नीचे से पकड़ते हैं कि नीचे से पकड़े कंपनी कितनी ऊपर तक जा सकती है। अब वो देखेगा हमको सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट पे। अब मैं दिखाता हूँ डेली चार्ट पैटर्न में क्या कर रही है कंपनी। सो अब चलते हैं डायरेक्टली हम डेली चार्ट पैटर्न पे। सो यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है एंड ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा कंपनी रन भी कर गई है। तो थोड़ा सा फिर जूम करते हैं एंड परफेक्ट। अगर हम यहाँ से इसमें लगाएंगे, इस पोजीशन से लगाऊंगा प्रॉपर यहाँ से। सो ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट तुमको इस पोजीशन में मिल गया था, ब्रेकआउट तो हमको यहाँ पे मिल गया था इस पोजीशन पे। बट यहाँ पे कोई अच्छी कोई ना वॉल्यूम थे ना कोई अच्छी कोई मूव थी। बट हुआ क्या, कुछ यानी कि 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद एक वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, देन कितना ह्यूज वॉल्यूम बना नीचे एंड ह्यूज वॉल्यूम बनने के बाद में सीधी ऊपर एंड प्राइस अराउंड 270 के आसपास था, वो प्राइस टच करके आ गया 302 के आसपास। अब यहाँ पे हो गई सेलिंग। अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे बन गया कहीं सेलिंग जोन टाइप का। अब वहाँ पे थोड़ा सा, अब इतनी बड़ी मूव ली है कंपनी ने, यानी कि तकरीबन कंपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बात करें 10% के आसपास चल दी। उसके बाद यहाँ के यहाँ पे कम से कम साइडवेज परफॉर्म करेगी, साइडवेज होने के बाद यहाँ फिर ब्रेकआउट मिलेगा, फिर ऊपर चल देगी। तो वेट है सिर्फ ब्रेकआउट का। सो बस आज के इतना ही, डन फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।